लाओत्से प्राचीन चीन के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जो ताओ ते चिंग नाम के मशहूर उपदेशक और लेखक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी विचारधाराओं पर आधारित धर्म को ताओ धर्म कहते हैं। इतिहासकारों में इनकी जीवनी को लेकर विवाद है। कुछ कहते हैं कि वे एक काल्पनिक व्यक्ति हैं और कुछ कहते हैं कि इन्हें बहुत से महान व्यक्तियों को मिलाकर एक व्यक्तित्व में दर्शाया गया है। सच्चाई चाहे जो भी हो, लाओत्से के उपदेश आज भी लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आइए सुनते हैं प्राचीन काल के इस महान व्यक्तित्व के कुछ अनमोल विचार। जो अच्छे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, जो अच्छे नहीं हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार कीजिए ताकि अच्छाई हर जगह रहे। जो ईमानदार हैं उनके साथ ईमानदार रहें, और जो ईमानदार नहीं हैं उनके साथ भी ईमानदार रहें ताकि ईमानदारी भी हर जगह रहे। जिनके पास ज्ञान है वो भविष्यवाणी नहीं करते, और जो भविष्यवाणी करते हैं उनके पास ज्ञान नहीं होता। बहते हुए पानी में कोई अपनी परछाई नहीं देख सकता, केवल वही लोग जो खुद आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं वही इसे दूसरों को दे सकते हैं। अगर आप दिशा नहीं बदलते तो शायद आप वही पहुंच जाएंगे जिधर आप बढ़ रहे हैं। कोई भी चीज पानी से ज्यादा नर्म और लचीली नहीं हो सकती, फिर भी कोई भी ताकत पानी को रोक नहीं सकती। सच्चे शब्द सुंदर नहीं लगते, सुंदर शब्द सच्चे नहीं लगते। अच्छे शब्द प्रेरक नहीं लगते, और प्रेरक शब्द अच्छे नहीं लगते। जो अपनी ही बात पर अड़ा रहता है उसे कम ही लोग समर्थन में मिलते हैं। जो बहुत बोलते हैं जल्द ही थक जाते हैं। इंसान के दुश्मन राक्षस नहीं होते हैं बल्कि उसी की तरह इंसान होते हैं। कठिन कामों को तब करें जब वे आसान हो, और महान कामों को तब करें जब वे छोटी हो। हजारों मीलों की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। चीजों को संभालने में अक्सर लोग सफल होते होते असफल हो जाते हैं। यदि कोई अंत में उतना ही सजग रहे जितना कि वो आरंभ में था तो कोई असफल नहीं होगा। जीवन स्वाभाविक और स्वच्छंद बदलावों की कड़ी है, उन्हें रोकना नहीं चाहिए। सच को सच की तरह स्वीकार किया जाना चाहिए। चीजों को स्वाभाविक तरीके से होने दीजिए। एक चलती हुई चींटी एक ऊंघ रहे बैल से अधिक काम करती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है, और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। दुनिया की सबसे कोमल चीज दुनिया की सबसे कठोर चीज को जीत लेती है। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। जो अधिक भरोसा नहीं करता उस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। सादगी दिखाओ, सरलता को अपनाओ, स्वार्थ को कम करो और थोड़ी इच्छाएं रखो। देखभाल करने से साहस आता है। मौन महान शक्ति का स्रोत है। शांति के दो पल सुंदर होते हैं। जो तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट रहो। चीजें जैसी हैं उसमें आनंदित रहो। जब तुम इस बात का एहसास कर लेते हो कि किसी भी चीज की कमी नहीं है, पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाती है। रहने के मामले में जमीन के निकट रहें। सोचने में सरलता रखें। झगड़े में निष्पक्ष एवं उदार रहें। शासन में नियंत्रण रखने की कोशिश ना करें। काम में वो करें जिसमें आनंद आए, और परिवार में पूरी तरह से उपस्थित रहें। सभी मुश्किल चीजों के मूल में आसान चीजें होती हैं, और बड़ी चीजों के मूल में छोटी चीजें होती हैं। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन इसके लिए अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन और मृत्यु एक ही धागा है, अलग अलग ओर से देखी गई एक ही रेखा। सच्चे शब्द और बात अक्सर असत्य लगती है। अगर आपको कोई शिद्दत से प्रेम करता है
तो ये आपको ताकत देता है। और अगर आप किसी से शिद्दत से प्रेम करते हैं तो ये आपको अदम्य साहस देता है। शब्दों में दयालुता आत्मविश्वास पैदा करती है, सोच में दयालुता गहराई लाती है, और दान में दयालुता प्रेम पैदा करती है। आत्मा का संगीत ब्रह्मांड द्वारा सुना जा सकता है। एक अच्छे यात्री की कोई तय योजना नहीं होती और वह कहीं पहुंचने के लिए भी हड़बड़ी में नहीं होता। हजारों मील की यात्रा एक कदम के साथ शुरू होती है। दूसरों पर काबू करना ताकत है, लेकिन खुद पर काबू करना असली ताकत है। महान कार्य छोटे छोटे कार्यों से बने होते हैं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो पहले देना सीखो, यही बुद्धिमानी की शुरुआत है। हिंसा, चाहे वो अच्छी नीयत से ही क्यों न की गई हो, खुद पर पलटवार जरूर करती है। जो खुद पर विश्वास रखता है वही खुद को प्रकाशित कर पाता है। अगर आप ये जान जाते हैं कि सब कुछ बदल सकता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप मृत्यु से नहीं डरते तो ऐसी कोई चीज नहीं जो आप नहीं पा सकते। अगर आप ज्ञान पाना चाहते हैं तो हर दिन सीखें। अगर आप अच्छे बनना चाहते हैं तो हर दिन खराब बातें भूल जाएं। स्थिर मन के प्रति पूर्ण ब्रह्मांड समर्पित हो जाता है। मैं सिर्फ 3 चीजें सिखा सकता हूं, सादगी, धैर्य और करुणा। यही आपकी सबसे बड़ी दौलत बन सकते हैं। जब कोई राष्ट्र संघर्ष से भर जाता है तो देशभक्त बनते हैं। मुखिया बनो लेकिन मालिक कभी नहीं। अपने कटोरे को ऊपर तक भरते जाओ और वो छलक जाएगा। अपने चाकू को लगातार तेज करते जाओ और वो कुंद हो जाएगा। जो संतुष्ट है वह अमीर है। एक विद्वान जो आराम को बहुत महत्व देता है वह विद्वान समझे जाने के योग्य नहीं है। यदि आप उदास हैं तो आप अतीत में जी रहे हैं। यदि आप चिंतित हैं तो आप भविष्य में जी रहे हैं। यदि आप शांति में हैं तो आप वर्तमान में जी रहे हैं। बाहरी साहस वाला व्यक्ति मरने का साहस करता है और आंतरिक साहस वाला व्यक्ति जीने का साहस करता है। सबसे अच्छा सेनानी कभी क्रोधित नहीं होता। बिना आस लगाए काम करें। अगर आप इस बात की परवाह करते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं तो आप हमेशा उनके कैदी रहेंगे। आप हमेशा अपने सपने को पोषित करने के तरीकों की तलाश में रहें। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इन विचारों से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। जो कोट्स आपको पसंद आए हों उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।